ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। वो कौन लोग हैं जिन्हें भाजपा उल्टा लटका कर सीधा करेगी? आखिर किन लोगों को उल्टा लटकाने और सीधा कर देने की बात गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं? बता दें कि पिछले दिनों रामनवमी के जुलूस के दौरान बिहार में हिंसा हो गई थी और दो ज़िले सासाराम और नालंदा ज़िला के बिहार शरीफ में काफ़ी बवाल हुआ था। बिहार शरीफ में एक मस्जिद और मदरसे में उपद्रवियों ने आग भी लगा दी थी। बता दें कि हिंसा के कारण अमित शाह को सासाराम में अपने एक जनसभा को भी रद्द करना पड़ा था। अब इसके बाद नवादा ज़िले में अमित शाह ने जनसभा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप भाजपा की सरकार बनाइए, दंगाइयों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भाजपा करेगी। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नदी की है, चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टिकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं।